पंजाब के होशियारपुर में पीएम मोदी ने जनसभा की, कहा जनता जनार्दन ने मोदी सरकार बनाने का फैसला कर लिया है, पूर्ण बहुमत की सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है, यह प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। 21वीं सदी भारत की सदी होगी, तीसरे टर्म के पहले 125 दिन का रोडमैप तैयार किया गया। सरकार बनते ही तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, सरकार किसके लिए करेगी, सरकार कब तक करेगी, इसके रोडमैप पर काम कर लिया गया है। इसमें भी 25 दिन विशेष तौर पर युवाओं के लिए केंद्रित किए गए हैं। अगले 5 साल में कौन से बड़े निर्णय लेने हैं, इसकी भी रूपरेखा खींची जा चुकी है। अगले 25 साल के विजन पर भी हमारी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक का पीएम मोदी पर हमला, मेरी सेहत की चिंता होती तो पीएम फोन करते, मेरी सेहत के बारे में जनता के सामने जोर जोर से नहीं कहना चाहिए। नवीन पटनायक ने कहा, मेरी सेहत पूरी तरह से ठीक है, मैं पूरे राज्य में पिछले 1 महीने से प्रचार कर रहा हूं। If the Prime Minister was so concerned about my health, even recently he said that I'm a good friend of his, all he needed was to pick up a telephone and inquire about my health. Instead of stating it loudly at a public meeting, 3 times yesterday, my health is perfectly all right. As you can see, I've been campaigning for the last month all over the state. And instead of the Prime Minister just picking up a telephone and asking me about my health, he has stated it loudly at a public meeting. This means that all he's trying to do is garner votes during election time. This rumor has been spread by BJP persons in Delhi for the last 10 years. और इस बीच लोकसभा चुनाव के लिए जारी चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। 1 जून को आखिरी चरण के 57 सीटों पर मतदान है। इस चरण में पीएम मोदी सहित कई दिग्गज मैदान में। 19 अप्रैल से देश में 7 चरणों में शुरू हुई चुनाव की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। 1 जून को 7वें और आखिरी चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और इससे पहले सभी दलों के दिग्गज नेता चुनाव मैदान में हुंकार भर रहे हैं। 1 जून को 8 राज्यों के 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें यूपी की 13, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है। आखिरी चरण के लिए 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। पीएम मोदी वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं मंडी से बीजेपी की कंगना रनौत और कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह हैं। गोरखपुर से बीजेपी ने रवि किशन और समाजवादी पार्टी की काजल निषाद के बीच मुकाबला है। हिमाचल के हमीरपुर से बीजेपी के अनुराग ठाकुर और कांग्रेस के सत्यपाल सिंह रायजादा मैदान में है। डायमंड हार्बर से टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी और बीजेपी के अभिजीत दास आमने सामने हैं। बीजेपी ने एनडीए की सीटें 400 पार का दावा किया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने दावा किया है कि इस बार जनता ने मन बना लिया और सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। आखिरकार जनता ने क्या फैसला दिया है, ये 4 जून को पता चलेगा। और चलिए बात करते हैं इस लोकसभा चुनाव में जीत के अपने अपने दावों की, क्या कह रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष, आप रिपोर्ट में देखिए। इनकी 200 से कम सीट आएंगी बीजेपी की और इंडिया गठबंधन की 300 क्रॉस करेगी। इस लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन की सीटों की भविष्यवाणी करने वाले सीएम केजरीवाल ने TV9 भारतवर्ष को अपना दावा लिखकर भी दे दिया है। राहुल अखिलेश भी बीजेपी की सीटों को लेकर कुछ इसी तरह की भविष्यवाणी करते रहे हैं।
तो आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी ऐसा दावा किया है। 400 पार हो जाएगा, 300 पार हो जाएगा, आप लोगों का देखिएगा पूरा देश भर में लोग पलट गया है, देश के लोग पलट गया है, सरकार बनेगी, सरकार बन जाएगी, महागठबंधन का सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री कौन होंगे सब बैठ के समझौता कर लेगा। वहीं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे बीजेपी नेता माधवी लता विपक्ष पर हमलावर हैं। भैया इनका कहने का मतलब है मोदी भाई खटाखट 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 400 पार करेंगे और ये लोग फटाफट 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 यहाँ से निकल जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज ओडिशा के बालासोर में चुनावी सभा की और किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी दी। राहुल ने किसानों का कर्ज माफ करने का भी वादा किया है। भाइयों और बहनों, हम सिर्फ गरीब महिलाओं को पैसा नहीं देंगे, हम ओडिशा के किसानों को मजदूरों को पैसा देंगे। किसानों को गारंटीड कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम देने जा रहे हैं। इसके माध्यम से ओडिशा के किसानों को, हिंदुस्तान के किसानों को धान के लिए, शुगर केन के लिए, कपास के लिए, अनाज के लिए पहली बार कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कम से कम दाम गारंटी करके मिलेगा। भाइयों और बहनों, किसानों के बैंक अकाउंट में हम और पैसा डालने जा रहे हैं। हम किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी अरबपतियों का कर्जा माफ कर सकता है, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में रैली के साथ ही आज पीएम मोदी का चुनाव प्रचार का कार्यक्रम समाप्त हो गया है और पीएम मोदी आज कन्याकुमारी जा रहे हैं जहां उनके कई कार्यक्रम। पीएम मोदी अगले दो दिनों तक भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी में रहेंगे। इस दौरान वो विवेकानंद मेमोरियल रॉक पर ध्यान लगाएंगे। देखिए, ये समुद्र के बीच चट्टान पर बना स्थान है जहां पहले स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। बाद में स्वामी विवेकानंद की याद में इस शिला का नाम विवेकानंद रॉक मेमोरियल रख दिया गया और यहाँ स्मृति भवन बनाया गया। पीएम मोदी आज शाम से 1 जून की शाम तक यहाँ के ध्यान मंडपम में ध्यान लगाएंगे। पीएम मोदी अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत भगवती अमन मंदिर के दर्शन से करेंगे। पीएम मोदी आज शाम यहां पहुंचेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। पीएम मोदी के आध्यात्मिक प्रवास को लेकर कन्याकुमारी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जल, जमीन और आसमान से पूरे इलाके में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षा बलों की चप्पे चप्पे पर नजर है। बताया जा रहा है कि जितने समय तक पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर रहेंगे, किसी भी आम टूरिस्ट को वहां जाने की अनुमति नहीं होगी। पीएम मोदी इससे पहले 2019 के चुनाव अभियान की समाप्ति के बाद भी उत्तराखंड में केदारनाथ की गुफा में इसी तरह का ध्यान करते नजर आए थे। और पीएम मोदी के कन्याकुमारी पहुंचने से पहले टीम 9 भारतवर्ष की टीम वहां पर मौजूद है। हमारे संवाददाता विपिन चौबे की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वें चरण का चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद अब मिशन दक्षिण पर हैं और अब लगभग 50 घंटों के लिए वो तमिलनाडु के कन्याकुमारी के इस विवेकानंद रॉक मेमोरियल के प्रांगण में मौजूद रहेंगे और यहां पर वो मेडिटेशन करेंगे। यहां पर उनके आने के बहुत सारे मायने और अर्थ निकाले जाते हैं। प्रधानमंत्री का हर एक कदम बहुत ही सधा हुआ होता है। प्रधानमंत्री आज शाम को तकरीबन 5 बजे यहां पर पहुंच जाएंगे और शाम 5 बजे से लेकर अगले 45 से 50 घंटों तक वो यहां पर रहेंगे, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। लिहाजा प्रधानमंत्री अपनी पुरानी शैली चिर परिचित अंदाज में 2014 के लोकसभा चुनाव का प्रचार खत्म करने के बाद ऐसे ही एक पौराणिक स्थल पर गए थे। 2019 में वो केदारनाथ गए थे और 2024 को लोकसभा चुनाव के प्रचार को खत्म करने के बाद इसी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर वो लगभग 50 घंटे बिताएंगे और 1 तारीख को दोपहर 3 बजे के बाद वो यहां से रवाना हो जाएंगे। और कन्याकुमारी से आप देखिए टीवी 9 संवाददाता सुरभि शर्मा की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
आखिरी चरण के चुनाव से पहले अब अध्ययन करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मौजूद रहने वाले हैं और वहीं पर इस वक्त TV9 भारतवर्ष भी मौजूद है। और ये सीधी तस्वीरें भी अब आपको दिखा देते हैं, क्योंकि समंदर की जिस चट्टान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान करेंगे, आपको बता दें यहाँ 134 साल पहले तैरकर विवेकानंद पहुंचे थे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान समाप्त कर किसी तरह से एक महत्वपूर्ण स्थान का दौरा करने वाले हैं, लेकिन ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको कन्याकुमारी से दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि 30 मई से 1 जून तक कन्याकुमारी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। और ये जो इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर तस्वीर देख रहे हैं, ये है कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल। और यहां पर आप देखिए इस वक्त पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं जो पूरा सिक्योरिटी चेक कर रही हैं, और यहीं से एक फेरी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए सीधा ध्यान लगाने के लिए उस खास जगह पर पहुंचेंगे और यहां पर लगभग 24 घंटे के लिए वो ध्यान लगाएंगे। हालांकि बहुत खास है ये जगह, और इसकी खासियत बताने के साथ साथ इस वक्त आपको ये तस्वीर भी मैं दिखा दूं, जहां देखिए कि किस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट भी है, जहां दूर दूर से लोग यहां पर आते हैं। और अब खासियत ये है और उत्साह लोगों के बीच इस बात को लेकर भी यहाँ पर नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। और सुरभि शर्मा की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, कन्याकुमारी में मौजूद पर्यटकों से उन्होंने बातचीत की। आप जानती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले हैं? यस, जानती हूँ। आपने ये जगह देखी है, खासियत जानती हैं आप इसकी? अभी सुबह हम यहाँ आए थे, हमने देखी ये जगह, बहुत ही अच्छी जगह है। हम कोल्हापुर से आए हैं। लोगों की खासी भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन अब प्रधानमंत्री के आने से पहले फिलहाल यहाँ पर इन फेरी सर्विसेज को बंद कर दिया गया है। और इम्पोर्टेंट ये होगा कि किस तरीके से अभी भी लोगों के बीच वो उत्साह है और लोग यहाँ पर इस बात से वाकिफ हैं कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर होंगे। एक बार फिर से वो तस्वीर दिखा देती हूँ, क्योंकि एक फाइनल सिक्योरिटी चेक यहाँ पर जिस तरीके से चल रहा है एक फेरी के जरिए, ये देखिए पूरे इस एरिया को वहाँ से कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है, इसलिए दूसरा रूट लेते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि ये वो जगह होगी जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान लगाएंगे, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जो कि बेहद खास है। और पूरे देश का भ्रमण करने के बाद स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे थे, और अब इम्पोर्टेंट यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब आखिरी चरण के चुनाव से पहले विवेकानंद मेमोरियल पर 24 घंटे के लिए ध्यान करेंगे। और पीएम मोदी के कन्याकुमारी में ध्यान कार्यक्रम को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, सुनिए आरजेडी नेता मनोज झा ने क्या कहा और बीजेपी ने क्या जवाब दिया। जिस व्यक्ति ने सातों चरण में भैंस मंगलसूत्र से लेकर मुजरे तक की बात की हो, तो उसको तो आत्मचिंतन के लिए ध्यान की आवश्यकता है। लेकिन मैंने भी प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री जी, ध्यान में जब 8-10 कैमरा होता है ना, तो व्यवधान उत्पन्न होता है। ध्यान करिए, ध्यान के नाम पर पाखंड और ढोंग से वो परमात्मा भी नाराज होंगे जिनके हवाले से आपने कहा कि आपका बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ। तो आग्रह है प्रधानमंत्री जी से, मानते किसकी हैं, सुनते किसकी हैं, लेकिन कैमरा के साथ ध्यान, कैमरा मुक्त ध्यान करिए प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री के साधना पर भी उनको एतराज हो रहा है, जबकि भारतीय परंपरा का ये सबसे बड़ा सनातन धर्म का ये साधना ही सब कुछ है। ये कांग्रेस पार्टी हार मान चुकी है, इसीलिए ऐसा पहल कर रही है। और वहीं पीएम मोदी के ध्यान कार्यक्रम को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस मामले में अयोध्या के साधु संत क्या सोचते हैं, ये भी आप देखिए। उनको शक्ति ऐसी न मिल जाए कि वो पुनः प्रधानमंत्री के रूप में और ये ग्रहण करें और तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन जाए, इसलिए वह विरोधियों का, विशेषकर कांग्रेस का विरोध है। और या इधर उधर बोल करके प्रधानमंत्री के संबंध में जानते हैं सभी लोग कि उनकी विरोध बोलते हैं। साथ ही साथ यह जो राहुल गांधी जी हैं, वो अपने को समझने लगे हैं कि अब की हमारी जीत हो जाएगी, हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और एक कपोल कल्पित है, यह ऐसा है नहीं। इस कार्यक्रम को लेकर उनको इतराज है। इसलिए इतराज है क्योंकि सनातन कार्य के लिए वो उस भाव से जा रहे हैं तो कांग्रेस को दिक्कत हो रही। गजब बात करते भाई, जिस प्रकार से अभिषेक मनु सिंघवी जी ने चुनाव आयोग के पास जाकर और इस पे आपत्ति किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी के ध्यान कार्यक्रम को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। ऐतराज ममता बनर्जी ने भी जताया है। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने इस पर क्या कहा है, देखिए रिपोर्ट। हमने ये कंप्लेंट रखी है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि वो एक मौन व्रत में बैठेंगे 30 तारीख की शाम से, ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। ये वो तौर तरीके हैं जिनसे आप या तो कैंपेनिंग कर रहे हैं या अपने आप को प्रसारित कर रहे हैं सभी चैनल्स द्वारा, प्रिंट मीडिया द्वारा। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। चुनाव वाले दिन सारे कैमरों को लेकर के आप कन्याकुमारी और दिन भर चलना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है प्रधानमंत्री जी की। और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी के मेडिटेशन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पीएम को सोचना चाहिए कि 4 जून के बाद कहां रहेंगे। प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं और बैठेंगे मेडिटेशन में, हाँ बहुत कुछ सोचने के लिए है उनका विषय। 4 तारीख के बाद में मैं क्या करूँगा, गांधीनगर में रहूँगा कि अहमदाबाद में रहूँगा, कहाँ रहूँगा, मेरे खिलाफ JPC की जांच जो होगी अडानी को लेकर, पतंजलि को लेकर, जो हमारे देश के दो बड़े घोटाले हैं मोदानी और मोदांजलि, उस पर तो जांच ज़रूर होने वाली है। जब इंडिया जनबंधन की सरकार बनेगी 1 महीने के अंदर JPC का गठन होगा। ये जो टेम्पो था ना, अडानी अंबानी का टेम्पो, काले धन के बोरी ले गया था, यही इस भगवान के, स्वघोषित भगवान के शब्द यही तो कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी काले धन के बोरी लेकर टेम्पो में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर इनके पहुंचाए, इस पर जांच होनी चाहिए। तो ये मोडानी का जांच और मोदांजलि का जांच होना 1 महीने के अंदर, मैं कहना चाहता हूँ इंडिया जनबंधन की सरकार JPC की गठन करेगी। इधर आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि आध्यात्मिक ऊर्जा अर्जित करने के लिए नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद की शरण में गए हैं, लेकिन यह बात विपक्ष को समझ में नहीं आएगी। ये एक धर्म युद्ध है, ये जो 2024 का चुनाव है ये एक धर्म युद्ध की तरह है। इसमें एक तरफ वो लोग हैं जो धर्म के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो धर्म को मिटाना चाहते हैं। आसुरी शक्तियों से लड़ने के लिए, आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए एक आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत होती है। और पहले भी प्राचीन काल में जब सुरासुर संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, जब आसुरी शक्तियां बहुत बढ़ जाती थी तो उनके विनाश के लिए ऋषि मुनि महात्मा साधना करते थे, जप तप और साधन करते थे। तो मुझे लगता है कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा को अर्जित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी इस समय स्वामी विवेकानंद की शरण में गए। ये आध्यात्मिक चेतना का विषय है, ये आस्था का विषय है। अब ये बात उनकी समझ में नहीं आएगी जिनकी आस्था वेटिकन में है। समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल के खिलाफ प्रयागराज में FIR दर्ज की गई है। उनके खिलाफ जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। प्रयागराज के एक प्रॉपर्टी डीलर ने पूजा पाल पर उसकी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि एतराज जताने पर विधायक के समर्थकों ने उसे अंजाम भुगतने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने पूजा पाल और उनके भाई के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई है कि पूजा पाल ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और अवैध तरीके से उसकी प्लॉटिंग कर रही है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस मामले में शिकायत किए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोर्ट के आदेश पर पूजा पाल समेत 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कोर्ट के आदेश पर सभी लोगों के खिलाफ प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट के एयरपोर्ट थाने में केस दर्ज हुआ है। पूजा पाल कौशाम्बी जिले की चायल विधानसभा सीट से विधायक है। वो इससे पहले इलाहाबाद पश्चिम सीट से 2 बार विधायक रह चुकी है। पूजा पाल ने फरवरी महीने में हुए राज्यसभा चुनाव में BJP के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। लोकसभा चुनाव के दौरान फूलपुर सीट पर हुए BJP के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल हुई थी।
और अब बात देश में पड़ रही भीषण गर्मी की करते हैं। दिल्ली में पारा 50 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। गर्मी के बीच दिल्ली में पानी की किल्लत से लोग बेहाल हैं। जल संकट पर आज दिल्ली सरकार एक हाई लेवल मीटिंग भी कर रही है। दिल्ली में जल संकट, टैंकर से पानी की सप्लाई। दिल्ली वासी इन दिनों पानी की कमी से बेहाल हैं। तस्वीरें दिल्ली के गीता कॉलोनी की है, जहां पहले रोजाना पानी के दो टैंकर पहुंचा करते थे, लेकिन अब पानी का आधा टैंकर पहुंच रहा है। इस आधे टैंकर से 3,000 लोगों की जरूरत को पूरा करना बड़ी चुनौती बन चुका है। लोगों को पानी नहीं मिलता तो कुछ खरीद के ले आते हैं, और जिसके पास कमाई नहीं है वो बरमे का भी पानी पीते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। पानी की तो बहुत ही ज्यादा समस्या है। दिल्ली में जल संकट पर आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने एक बैठक की। दिल्ली सरकार का आरोप है कि हरियाणा से उसे दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है, जिसके चलते दिल्ली में पानी की किल्लत हो गई है। वहीं हरियाणा के सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय यादव ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि दिल्ली को उसके हिस्से से ज्यादा पानी हरियाणा दे रहा है। दिल्ली का ऑफिशियल शेयर है वो 719 क्यूसिक पानी का है। अब भी हम आज की तारीख में भी 1049 क्यूसिक 1049 क्यूसिक उनको दे रहे हैं, और अगर सच मानो तो 350 क्यूसिक हरियाणा अपने शेयर में से दे रहा है। और वहीं दिल्ली में जारी जल संकट के बीच अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने वजीराबाद वाटर प्लांट का निरीक्षण किया और दिल्ली जल संकट को लेकर केंद्र सरकार के पास शिकायत दर्ज कराने की बात कही। अब पानी की कमी के बाद कहां कहां समस्याएं देखने को मिलेंगी? देखिए, सबसे ज़्यादा समस्याएं दक्षिणी दिल्ली में हो रही हैं, सेंट्रल दिल्ली, पुरानी दिल्ली के एरिया में हो रही हैं। वो सारे एरियाज हैं जहां पर वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी जा रहा है। स्वाभाविक बात है, अगर पानी की सप्लाई ही कम होगी तो जिन इलाकों में पानी जा रहा है वहाँ पानी कम पहुँचेगा। आप ये कह रही हैं कि हरियाणा लगातार कम पानी छोड़ता है, लेकिन इस साल हरियाणा ने दिल्ली को एक आपातकालीन स्थिति में धकेल दिया है। पिछले कई सालों के अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे, 30 मई के आसपास कभी भी 374 फीट से नीचे पानी नहीं गया है। पिछले साल भी यही परिस्थिति थी कि 30 मई को 374.5 फीट पानी वजीराबाद पौंड में था और तभी सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स काम कर रहे थे। आज अगर ये 370.3 फीट पे पहुंच गया है तो स्वाभाविक बात है कि वाटर प्रोडक्शन कम होगी और दिल्ली के लोगों को दिक्कत होगी। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की समस्या इतनी गंभीर है कि महिलाओं को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें दिल्ली के रंगपुरी गांव की हैं, जहां जल संकट के बीच महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। काफी संख्या में महिलाओं ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों महिलाओं ने दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार हाय हाय समेत पानी दो के नारे लगाए। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने मटका फोड़कर दिल्ली जल बोर्ड से पानी देने की अपील की। महिलाओं का कहना है कि पिछले कई सालों से इलाका पानी की किल्लत से जूझ रहा है, लेकिन पानी की समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो सका है। लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। काफी शिकायत के बाद किसी ने इस परेशानी की सुध नहीं ली, जिसके बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन का फैसला लिया। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत के चलते लोगों की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। पानी की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को जल संकट से जूझना पड़ रहा है। और यूपी में भी गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। प्रयागराज, कानपुर जैसे इलाकों में तापमान 48 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है। गर्मी से बचाव के लिए प्रदेश में कई जगह विशेष इंतजाम किए गए। प्रयागराज में भीषण गर्मी से ट्रांसफार्मरों में आग लगने की संभावना बढ़ गई है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर के सामने कूलर लगाए गए हैं ताकि ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखा जा सके। प्रयागराज का अधिकतम तापमान 49 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। दूसरी तस्वीर यूपी के अलीगढ़ की है, जहां रेड लाइट सिग्नल पर ग्रीन शेड लगाए जा रहे हैं ताकि सिग्नल पर इंतजार करने वाले लोगों को भीषण गर्मी से बचाया जा सके। पहले लोग रेड सिग्नल में खड़े होते थे, गर्मी में खड़े होना पड़ता था, धूप में। सराहनीय काम है और सभी लाल बत्तियों पर ये होना चाहिए। हम बाइक वालों को बहुत दिक्कत होती है खड़े होने के लिए। तीसरी तस्वीर यूपी के शाहजहांपुर के भीमराव अम्बेडकर जिला चिकित्सालय की है, जहां कूलर की व्यवस्था न होने से मरीज गर्मी में तड़पते दिखे। स्थिति यह है कि कुछ मरीजों के परिजनों ने खुद ही अपने बेड के पास कूलर और टेबल फैन की व्यवस्था की है।
कुछ मरीजों के परिजन हाथ में टेबल फैन लेकर अस्पताल में जाते नजर आए। गर्मी आ रहा है, कूलर कूलर सब कुछ नहीं, ऊपर के फैन ने जो हवा देते नहीं ठीक से, इतनी गर्मी हो रही है कि बैठने का मन नहीं यहाँ पे। और वहीं जम्मू कश्मीर में भी गर्मी चरम पर है और इसके चलते जंगलों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। सरकारी अमला जंगलों में लगी आग को बुझाने में जुटा हुआ है। तस्वीरें जम्मू में रियासी के जंगलों की है, जहां पिछले 3 दिनों से कई जगहों पर आग लगी हुई है। इस बार आग बुझाने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। ड्रोन के जरिए जंगल के उन इलाकों की पहचान करना आसान हो रहा है जहाँ आग लगी है। ड्रोन हमें आग की पोजीशन के बारे में बता देता है। जैसे यहाँ पे आपको पता ही है कि जो ठाकरा गुड़ के बड़े बड़े पहाड़ हैं और बड़े बड़े नाले हैं, जब नालों में आग लगती है तो इमीडिएटली है, जब हमारी टीम पहुँचती है उनको पता नहीं होता है कि आग जो है वो किस साइड बढ़ रही है। कठुआ राजौरी के जंगलों में भी गर्मी के बढ़ने के साथ आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ी है। तस्वीरें राजौरी के जंगलों की है, जहां आग बुझाने में स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। जंगल में पिछले 4 दिनों से आग लगी है। आग के चलते आसपास के इलाकों को धुएं ने अपनी चपेट में ले लिया है। जम्मू कश्मीर में पिछले 1 हफ्ते से कई इलाकों का तापमान 44 डिग्री के ऊपर बना हुआ है, जिसके चलते प्रशासन भी अलर्ट पर है। पुंछ में गर्मी को देखते हुए लोगों के लिए आर्मी ने फ्री मेडिकल कैंप की व्यवस्था की है, ताकि गर्मी से बीमार हो रहे लोगों को मदद पहुंचाई जा सके। भीषण गर्मी से जहां एक तरफ लोगों की जान पर आन पड़ी है, वहीं दिल्ली में आग की घटनाओं की वजह से लोगों का बुरा हाल है। दिल्ली में भीषण गर्मी की वजह से हालात काफी गंभीर है। दिन के 10 बजने के बाद से ही सड़कें जला देने वाली गर्मी की वजह से सूनी हो जाती है। हीट वेव का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 28 से 29 मई के 24 घंटों के दौरान दिल्ली दमकल विभाग को आग लगने की 220 कॉल्स मिली है। साफ है कि गर्मी से लोग परेशान हैं। दिल्ली फायर सेवा विभाग के मुताबिक 28 मई की रात 12 बजे से आधी रात 29 मई रात 12 बजे तक फायर विभाग को एक दिन में 220 आग लगने की कॉल्स मिली। पिछले साल दिवाली के दिन के बाद ये रिकॉर्ड कॉल है। फायर विभाग के अफसरों का कहना है कि वो हर कॉल को गंभीरता से लेते हुए कम से कम समय में आग पर काबू पाने का प्रयास करते हैं। दिवाली पर लगने वाली आग की कॉल को छोड़कर ऐसा पहली बार हुआ है कि फायर डिपार्टमेंट को एक दिन में आग लगने की 220 कॉल आई हो। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट इसके लिए भीषण गर्मी को मुख्य वजह मान रहा है। हम लोग दिल्ली के हिसाब से 200 का आंकड़ा जो है क्रॉस कर चुके हैं पर डे कॉल का, और ये पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा है। अब कभी भी अभी तक जो है 160-170 कॉल होती थी, 200 क्रॉस करना शुरू हो जाए, इस बार ये पिछले 5 दिन से हुआ है। तो देश का अधिकतर हिस्सा इस वक्त भयंकर गर्मी की चपेट में है। आसमानी आफत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गर्मी की वजह से कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, यहां तक कि कर्नाटक का भी कुछ हिस्सा इस समय गर्मी की तपिश में झुलस रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से कई लोगों की मौत भी हुई है। रास्ते में लू है, गर्मी कितनी पड़ रही है, तो बस उसे लौटते में तभी तबीयत खराब हो गई। इन्होंने मेडिकल वगैरह दवाई वगैरह भी लिए साथ में, तो उससे आराम नहीं मिला और ज्यादा तबीयत बिगड़ गई इसकी। डॉक्टर पास ले भगे ये लोग घूम रास्ते में। फिलहाल गर्मी से राहत के आसार भी नहीं है। दिल्ली में कल गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दरअसल भारत के कई राज्यों में इस वक्त पारा 50 के करीब पहुंच गया है। तेजी से बढ़ते तापमान को लेकर आई एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि पिछले साल जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को औसतन 26 दिन ज्यादा गर्मी सहन करनी पड़ी। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर जलवायु परिवर्तन ना होता तो ये स्थिति नहीं होती। और बड़ी खबर है, दक्षिण पश्चिम मॉनसून केरल पहुंचा, समय से पहले पहुंचा मॉनसून। पूर्वोत्तर की ओर आगे बढ़ रहा है मॉनसून और मॉनसून पर मौसम विभाग ने दी है जानकारी। एक तरफ देश के कई राज्य भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं तो वहीं कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। असम के 8 जिले इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। रेमल तूफान के चलते असम समेत कई राज्यों में भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है। असम के 66 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। असम के 41,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में प्रशासन जुटा हुआ है। बाढ़ के पानी से घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद केरल में कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। तस्वीरें केरल के कोट्टायम जिले की हैं, जहां बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। बारिश के बीच चल रही हवाओं के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने 31 मई को केरल में मानसून आने की भविष्यवाणी की थी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाथ में भी मौसम ने करवट ली है। चार धाम यात्रा के बीच हल्की बारिश से श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान में भी अगले 24 घंटों में बारिश की भविष्यवाणी की गई है। और इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको लेकर चल रहे हैं। जो कोशिश है वो सब नफरत से भरा हुआ है और बगैर कोई भी बात करने दो वो उसमें थोड़ा सा तो नफरत रहता ही है। तो हम एक सर्वोदय सबकी भलाई हो इस पे हम ध्यान देते हैं। और साथियों, आज शाम चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा 6 o'clock। 18वीं लोकसभा के लिए हो रहा ये चुनाव लंबे समय तक याद रह जाएगा। इसलिए याद रह जाएगा, इस चुनाव में देश का हर एक नागरिक जाति, धर्म, पंथ, क्षेत्र, लिंग, भाषा को भूलकर लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए एक साथ आया है। प्रधानमंत्री और भाजपा के प्रमुख नेताओं ने लोगों को धार्मिक और विभाजनकारी मुद्दों को ऊपर गुमराह करने के अनगिनत प्रयास किए। इसके बावजूद लोगों ने डायवर्शन, ये लोग डाइवर्ट जो करना चाहते थे वो उसके बजाय मुद्दों को चुना और हमने मुद्दों के ऊपर वोट मांगा। और आज मैं देखता हूँ, कल भी मैं उड़ीसा में था, वो भी उड़ीसा में थे, बालेश्वर और भद्रक और एक जगह है जो भद्रक क्या कुछ है, तो वहाँ पर भी मेरा भी भाषण था, फिर बालेश्वर में था, उनका भी बालेश्वर में था। तो यहाँ भद्रक में तो नहीं आए, वो उधर से उधर उड़ान उनकी हो गई। मेरे को एक घंटा परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि जब तक वो नहीं उड़ते मैं नहीं उड़ सकता।